नमस्कार सभी को। आज दिनांक 25 अप्रैल 2024 को अंद्रेटा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 7 दिन तक चलेगा। तो मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना परिचय दें। श्री राधे जी, मेरा नाम डॉक्टर धनीराम सांख्यान है जी। बेसिकली मैं जिला बिलासपुर करलोटी गांव से संबंध रखता हूं, लेकिन सेवा काल के दौरान मुझे इन क्षेत्रों में विभिन्न स्कूलों में कार्य करने का मौका मिला। मैं यहां एक शिक्षक के रूप में आया था इस क्षेत्र में, और बाद में ये इलाका क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय लगा। मैं घर बना करके यहीं परमानेंट बस गया हूँ, रहना शुरू कर दिया है। मंगलाय तन्नो हरिये तंत देवा सभी ओम जलाधिनाथाय नमः। वर्णस्योस्तं भगनसि वर्णस्यास्कं सर्वेस्तु वर्णस्यादि सदनं सी वर्णस्यादि सोनं आसीत। सर्वेश मुद्रा सर्पा तीर्थानी जलदानदा आयंत मम शांत्यर्थं कुतक्षयकारकाः देवदानव संवादे मध्यमाने महोदोत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ
विधृता विसन्ना स्वयं तत्व सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे प्रतिष्ठा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठा शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्तं प्रजापति अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्यानि तीर्थानि कुंभे तिष्ठन्ति वै नित्यं वा तस्मात् कुंभं प्रपूजयेत। ऊपर भी देख लिया करो जी कैमरे की तरफ सपना उठी है देखो यारा घड़ा है बड़ा ना था बस छलके ना नहीं तो छलकना है सर नहीं घड़े पर लिया ना और घड़ा नहीं ना आज ये भी आया है कल आया सर और भी आए हो ये भी अकेला ही आया नहीं मम्मी आया अच्छा अच्छा है साथ में आया पहले आगे आपको जानना आराम से आओ सर।
सभी के कलश भरेंगे तभी चलने हैं, चलना है। उनको बताए चाचू को, चाची को कोई नहीं, कोई नहीं करा। एक फोटो आ जाए ना, इससे क्या होगा, नीचे आ जाओ ना आपको। पानी की तरफ देख लो, देख लो यार, बहुत सारे कलर, बहुत सारे कलर।
जय। जिन्होंने नहीं रखे है वो रखते जाओ। बाकी पूजा करांदे बस हो गया।
भारत के सारथी तुझे कोटि कोटि प्रणाम। आ मेरी भी भाग है मन की छुपी मना। बोलिए सब। आ भारत के सारथी तुझे कोटि कोटि प्रणाम। आ मेरी भी भाग है मन की छुपी मना। कुछ किया न कर सके ना कुछ करने दो, जो किया प्रभु आपने आप ही करने दो। ना कुछ किया कर सको ना कुछ करने दो, जो कुछ किया आपने आप ही करने दो। भाई कौन है आप? कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। संकट से बहरा कहने सुनन की कछु नहीं, शरण पड़ेगी आज राखी रोपना। संकट से बहना कहने सुनन की कछु नहीं, शरण पड़ेगी रात। शरण पड़ेगी राज है तुम राख्यो जगदी, दोनों भुजा पसार के धरूं चरण में की। मोरी स्वामिनी मैं राखे को रात, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को बात। दाता मोरी स्वामिनी मैं राखे को रात, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन में बात। वारन को छोड़ के आया तेरे द्वार, श्री वृषभानु लाडली मेरी ओर निहार। सब द्वारन को छोड़ के आया तेरे द्वार, श्री वृषभानु लाडली मेरी ओर निहार। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा सैर पुवारा मास। भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा सैर पुवारा मास। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट करूं जोड़ूं दोनों हाथ। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट करूं जोड़ूं दोनों हाथ। लाल की जय, नंद भगवान की जय हो, की जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव श्री राधे। श्री राधे। अब आप अपने घर में थोड़ा काम कर सकते हैं जाकर के, और कथा 2 बजे प्रारंभ होगी और 5 बजे तक चलेगी। आज के मुख्य यजमान विजय राणा जी और लता राणा जी हैं, ये थोड़ा 15 मिनट पहले आ जाएंगे और बाकी 2 बजे कथा
अभी पूजा भी होनी है, सेटिंग होना है, ये तेरे स्टेज जाने छोड़, तो उसको भी करवाएंगे, बाकी लोग अपने काम कर सकते हैं थोड़ी देर, दो बजे बच्चा 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 बच्चा
रानी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। आज अंद्रेटा गांव में सनातन धर्म सभा के सौजन्य से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ एक भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ है। ये हर साल यहां अंद्रेटा में इस तरह की परंपरा रही है कि भागवत कथा का आयोजन साल में एकाध बार करवाया जाए। उसी कड़ी में सनातन धर्म सभा के द्वारा इस साल ये आयोजन करवाया जा रहा है। ये आयोजन 7 दिन चलता है और 7 दिन में 3 सत्र हमारे रहते हैं। सुबह पूजा का सत्र है, सामान्य पूजा भागवत भगवान की, और बाकी सभी नवग्रह तक सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। दोपहर के समय कथा का प्रवचन होता है और सायं 7-8 बजे के बाद संध्या आरती और भजन कीर्तन का काम जो है वो चलता है। भागवत में इतनी अच्छी बातें हमको सीखने को मिलती हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं कि आज से पुराने युग में या हमारे ऋषि लोगों ने या उससे भी पहले जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें जो इतने अच्छे संस्कार भरे हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज के युग में युवा पीढ़ी को उन संस्कारों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। खासकर हमारे जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, स्कूलों में कॉलेज में जा रहे हैं और नशे की चपेट में आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर वो लोग भी भागवत का आचरण करें, भागवत की कथाओं का श्रवण करें आकर के, तो उनका मन भी पवित्र होगा, साथ साथ में वो बेकार का उनका फालतू समय जो है वो इस नेक कार्य में लगेगा। तो अगर वो नौजवान पीढ़ी भी जुड़े तो बहुत अच्छा है। अक्सर देखने में ये मिलता है कि महिलाएं भागवत में अधिक आती हैं, पुरुष वर्ग कम आता है और बच्चे बिल्कुल ही कम आते हैं, खासकर कॉलेज गोइंग बच्चे, जबकि मैं समझता हूं कि उनके लिए ये बहुत ही एक ज़रूरत है। कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जो आजकल के बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं, यहां आकर के बहुत सी शिक्षाएं ऐसी मिलती हैं कि हमको बड़ों के साथ कैसे आचरण करना चाहिए, गुरुओं का, बुज़ुर्गों का आदर कैसे करना चाहिए, इस प्रकार के संस्कार जो हैं वो यहीं सीखने को मिलते हैं। हमारे समाज में एक दुर्भाग्य वाली बात ये रही है कि बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है वो केवल धन अर्जित करने के लिए या भोजन अर्जित करने के लिए, खाने के लिए कुछ शिक्षा दी जाती है कि वो जीवन में कुछ पैसा कमा ले और कुछ रोटी कमा ले, लेकिन संस्कारों के लिए ना तो कोई कॉलेज बने हैं ना कोई यूनिवर्सिटीज बनी हैं जो बिल्कुल संस्कारों पर ही हों कि बच्चों को संस्कार दिए जाएँ। शिक्षा जो दी जा रही है वो रोजगारोन्मुख दी जा रही है, लेकिन संस्कारोन्मुख शिक्षा है ही नहीं। और इस प्रकार के आयोजन जो समाज में होते रहते हैं, यहाँ पर केवल संस्कारों की ही बात होती है, अच्छी बात होती है। अगर हमारी युवा पीढ़ी यहाँ जुड़ सके तो मैं चाहूँगा कि हमारा आयोजन जो है वो सार्थक रहेगा। इसके अलावा भागवत का आयोजन जो है ये हमें और बहुत सी ऐसी प्रेरणाएं देता है जो हमारे जीवन में सदा हमें एक संपूर्ण इंसान बनाने में सहायक हो सकती है यहाँ की बातें। तीसरी बात ये कि आजकल सबसे बड़ी बात के बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों में भी डिप्रेशन का जो है वो दौर चल रहा है। किसी भी घर में पूछें आप, सब बोलते हैं हम अशांत हैं, डिप्रेशन है, पैसा है, धन है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है या कहीं पर बैठने के लिए जगह नहीं है। हम इतने लोग अंतर्मुखी हो गए हैं कि पड़ोस अड़ोस में भी किसी एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते, बात नहीं करना चाहते। जब इस प्रकार का आयोजन, भागवत इत्यादि का कोई धार्मिक आयोजन, सामूहिक आयोजन गाँव में लगता है, तो मैंने ये अनुभव किया है, क्योंकि हम तो जगह जगह भागवत कथाएँ करते हैं जा कर के, तो मैंने ये अनुभव किया है कि जहाँ जहाँ पर इस तरह का आयोजन होता है वहाँ सब लोग मिलजुल करके इकट्ठे होते हैं और जो अंतर्मुखी लोग हैं वो भी बोलते हैं, नाचते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनके डिप्रेशन में भी बड़ी कमी आती है, मन को बड़ी शांति मिलती है। 7 दिन के बाद जब भागवत भगवान की विदाई होती है पूर्णाहुति के बाद, तो अगर लोगों को पूछा जाए तो वो कहते हैं, एक शब्द तो उनके मुँह से ज़रूर निकलेगा कि आनंद आ गया। और आनंदो वैसा शास्त्र कहते हैं कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही भगवान है। अगर आपको आनंद मिल गया तो समझिए कि आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आनंद है तो शांति है, आनंद है
तो मन आपका इधर उधर नहीं भटकेगा। तो इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए, उस रस की प्राप्ति के लिए जिसको परमानंद, ब्रह्मानंद, रसानंद भी कहा गया है, उसकी प्राप्ति के लिए भी भागवत जैसे आयोजन का होना जो है वो आवश्यक है। श्री राधे।